करनाल के जुंडला में भाजपा की तरफ से त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। इस कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिरकत करनी थी, लेकिन जैसे ही देर शाम किसानों को भाजपा पार्टी के होने वाले त्रिदेव सम्मेलन की सूचना मिली, उसके बाद जिले के किसान नेताओं की ओर से भाजपा के नेताओं का विरोध करने का आह्वान किया गया। इसको लेकर बड़ी संख्या में करनाल की जुंडला अनाज मंडी के गेट पर पहुँचने का आह्वान किया गया था। सैकड़ों की संख्या में किसान जुंडला अनाज मंडी के गेट पर एकत्र हुए। हालांकि भाजपा की ओर से कहा गया कि टेक्निकल कारणों की वजह से जुंडला में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि भाजपा ने किसानों के डर से कार्यक्रम रद्द किया है। किसान नेताओं के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और मुख्यमंत्री साथी करनाल के असंध हल्के से भाजपा के पूर्व विधायक बख्शीश सिंह का पुतला फूंका। आशीर्वाद पैलेस है यहाँ, साथ ही वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम जिस दिन हमारा भारत बंदा उस दिन पता लगा लोगों को, तो यहाँ से उस दिन चक्का जाम था जुंडला से, यहाँ पे इन्होंने यहीं पर चेतावनी दे दी थी। उसके बाद वीडियो डालकर भी इनको चेतावनी दे दी थी भाई विरोध करने के लिए किसान आएंगे पूरे करनाल से। उसी डर से और विरोध को देखते हुए भाजपा ने ये प्रोग्राम कैंसिल किया है, और उसके बाद ये भी पता लगा कोई लोकेशन बदलेंगे किसान फिर भी भारी संख्या में पहुँचे हैं, तो यहाँ से प्रोग्राम इनका कैंसिल है। और करनाल में कहीं पर भी जहाँ पर भी ये प्रोग्राम रखेंगे इनका हम इसी प्रकार विरोध करेंगे, और जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है, जब तक हम अपनी मांगे नहीं मनवा लेते, तब तक इनका बीजेपी का विरोध, इनके नेताओं का विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, पूरे करनाल में जारी रहेगा। और आज भी ये किसानों की बड़ी जीत हुई है, ये सभी किसानों को इसका क्रेडिट जाता है, पूरे जिले के किसानों को जाता है। बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई, उनका पूरी इन्होंने क्या करनी होती है, इनको तो कहीं बुला लो ये तो वहीं आ जाएंगे, क्या तैयारी होती है, ये तो डर से नहीं आए, सबको पता है। वो पैलेस वाला भी हाथ खड़े कर गया, उसने भी कह दिया मैं पैलेस नहीं खोलूंगा तुम्हारे लिए, और इनको किस तैयारी की जरूरत है, ये तो अपने इतने उदास बैठे हैं, इनको तो कोई बुला ले, ये तो कहीं भी आने को तैयार है, कोई तैयारी तो, ये तो बहानेबाजी है। ये डर किसानों का है, जो करनाल जिले ने अपना पिछला आंदोलन जीता है उससे करनाल जिले की जो एक आपस में इतना मजबूत आंदोलन बना, मजबूत एकता बनी है, उसी का नतीजा है आज। तो आगे भी जहाँ पर भी इनका प्रोग्राम होगा इसी प्रकार से मजबूती के साथ विरोध होगा इनका, जब तक हमारा ऐसा ये बीजेपी वालों को स्पष्ट पता है अभी यहाँ करनाल के अंदर किसी प्रकार का अभी किसान प्रोग्राम नहीं होने देंगे, फिर भी ये बार बार कोई ना कोई प्रोग्राम करने का, क्योंकि जोनसा इन्होंने पहले जो प्रोग्राम किया था जब लाठीचार्ज हुआ था वो भी इसी चक्कर में किया था, अभी किसानों का दम देखने के लिए अभी इनके पास करंट कितना का है, और ये बार बार ये इसीलिए प्रोग्राम करते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं हमारा प्रोग्राम है, फिर देखते हैं कितने किसान इकट्ठे होते हैं, बाकी इनके कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले इनका एक भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे करनाल के। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर बीजेपी का? आज इनका कोई इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, कोई हर विधानसभा के अंदर रखे हुए हैं प्रोग्राम, इन्होंने अपने कोई नाम लगा रखा हुआ है इन्होंने, तो उस चक्कर में ये प्रोग्राम रख रहे थे, तो हम करनाल के अंदर किसी प्रकार का भी कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे जी। एक कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि ये किसान खालिस्तानी कौन है, कब आज तक कहे किसी ने कोई जगह देखी है खालिस्तान कहाँ पे है, ये तो सिर्फ इनों के नाम बनाए हुए हैं, ये बिना वजह से किसानों को और खास करके जो सिख कम्युनिटी के किसान हैं उनको बदनाम करने के लिए ये नाम यूज। क्या कहेंगे आज? देखिए जो आज ये प्रोग्राम हुआ है किसानों के दबाव के कारण हुआ, न कि कोई बीजेपी की तैयारी कमी रह गई थी, तैयारी क्या, उन्होंने कोई साड़ी थोड़ा भरनी थी, साड़ी भरनी थी बीजेपी वाले ने, ये किसानों की जीत है जो करनाल में हुआ ना, उन्होंने ये सोचा कहीं जुंडला में भी ऐसा कोई प्रकरण दोबारा ना हो जाए और दोबारा फिर किसान कोई ऐसा मोर्चा लगा दे जिससे सरकार डर के ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सभी दुकानदार भाइयों से, उस दिन जो हमारे मजदूर भाई थे अपने दिहाड़ी छोड़ के हमारे साथ बैठे हैं, सभी दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से, और जो ट्रेनें जा रही थी ट्रेनों में सभी बच्चों को दूध मिला है, सभी को रोटी मिली है, जिसको घी भी मिला है, लस्सी भी मिली है, जो दिल्ली से आए थे यात्री उन्होंने कहा है ये किसान आंदोलन बिल्कुल जायज है, किसानों की मांगे माननी चाहिए सरकार को। उस दिन जो समर्थन हमें मिला उससे पहले इतना समर्थन किसान को नहीं मिला। मैं छत्रपाल सिंदड़, जिला उप प्रधान।
था, क्या कार्यक्रम था और किस कारणवश वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हिमांशु जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश के अंदर त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहे हैं, वो उनकी जो डेट प्रदेश ने तय की थी उसके अकॉर्डिंगली वो 29, 30 और 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन वो पोर्टल पे चढ़ने जरूरी थे, वो हमारे पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, क्योंकि पोर्टल पर जब वो अपलोड हो जाते हैं और उसके बाद प्रदेश से कार्यकर्ताओं का आई कार्ड आता है, उसके बाद फिर वो सम्मेलन होने हैं, इसी वजह से उन सम्मेलन को आज पोस्टपोन किया गया। क्या वो सम्मेलन आगे होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल आगे होगा, अभी 2-4 दिन में ही हो जाएगा, जैसे वो अपलोड हो जाएंगे उसके बाद वो सम्मेलन होगा। किसानों का कहना है कि वो कार्यक्रम हमारे कारण नहीं हुआ, अगर कार्यक्रम होता तो हम काले झंडे दिखाते, विरोध प्रदर्शन करते। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए किसान नहीं है, बल्कि वो ज़्यादातर उसमें भी क्या है कि कांग्रेसी और वाम दल वगैरह है जो अपना ये विरोध का कार्य कर रहे हैं। किसान तो आजकल अपनी फसलों में बिजी है, फसल की कटाई चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्य नियमित चल रहे हैं। शुरू से ही जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की तरफ से आते हैं, जिला में सारे कार्यक्रम वो जिला लेवल पे भी और मंडल लेवल और बूथ लेवल तक होते हैं, और ये कार्यक्रम भी आने वाले समय में होगा।